श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 11 नवंबर की है रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, उसे कहा जाता है छोटी दिवाली भी। तो बहुत ही शुभ दिन है, साथ में उसकी अगले दिन है दीपावली, जिसका हमें साल भर इंतजार रहता है। तो दो दिन करने वाले विशेष उपाय हैं जो गुरुजी पंडित जी द्वारा बताए गए। चलिए वीडियो शुरुआत करते। स्वागत है मोदीती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय आपको करना है। देखिए, आपने देखा होगा सब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही है, हो सकता है हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। अगर आप लोगों की हुई है तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो हम वापस से मांगते रहते हैं पर वो मनोकामना पूरी नहीं होती है, परेशान से हो गए। बहुत उपाय करके देख लिए, पशुपतिनाथ व्रत भी करके देख लिए, फिर भी अगर मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, जैसे मंगल विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, रोगों से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, दिल की कोई भी अगर कामना है, तो इस बार छोटी दिवाली के दिन आपको यह विशेष उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपका जो भी मनोकामना होगी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होगी। क्या लेंगे? आपको लेना है एक धतूरा, जी हाँ एक धतूरा, एक समीप पत्र, एक बेलपत्री, एक चावल का दाना, जी हाँ एक सफ़ेद फूल और एक समीप पत्र। ये पांचों सामग्रियों को लेकर जाना है आपको शिवालय, और शिवालय पहुंचकर महादेव का, त्रिपुरारी महादेव का नाम लेना है। जी हाँ, क्या नाम लेंगे? त्रिपुरारी महादेव। नाम लेकर इन पांचों सामग्रियों को आपको शिवलिंग के ऊपर एक साथ समर्पित करना है। जी हाँ, पांचों सामग्री जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, इन सभी को हाथ में पकड़ लिया, त्रिपुरारी महादेव का नाम ले लिया और नाम लेकर एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। नाम कौन सा लेना है महादेव का, फिर से बता देती हूँ, त्रिपुरारी महादेव। जी हाँ, देखिए वार्षिक शिवरात्रि भी है, नरक चौदस भी है, छोटी दीपावली भी है। अपने भाग्य को सुधारना चाहते हैं और अपने दिल की कामना पूरी करना चाहते हैं तो यह विशेष उपाय आप मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम तक जब आपको समय मिल जाए उस समय शिवालय पहुँचकर इस उपाय को कर लेना। बहुत ही विशेष और ख़ास उपाय, जरूर कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय है 12 नवंबर बड़ी दीपावली का, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, अपार धन वृद्धि के लिए। जी हाँ, इस उपाय को करने से अपार धन की वृद्धि होगी। गुरुजी ने सेम वर्ड में कहा था कि इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो कुबेर का खजाना आपको मिल जाएगा, अपार धन की प्राप्ति होगी। यह उपाय विशेष दीपावली के दिन किया जाता है और इसका जो समय है वह डॉट रात्रि 8:30 बजे का है। जी हाँ, समय याद रखें, समय नोट कर ले, रात्रि 8:30 बजे ही करना है। आपको दो दीपक तैयार करना है माटी के, एक दीपक में भरना है घी लंबी बाती का लगाना है और एक दीपक में भरना है तेल वो भी लंबी बाती का, यानी दोनों दीपक तैयार करेंगे, एक घी का और एक तेल का। ठीक है, याद समझ में आया ना, लंबी बाती डालना है। आप क्या करेंगे, इन दोनों दीपकों को आपको केवल पीपल के वृक्ष में, जी हाँ दीपावली के दिन अमावस्या के दिन रात्रि में 8:30 बजे पीपल के वृक्ष में कुबेर देवता का स्थान होता है, वास होता है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसलिए गुरुजी ने कहा है 8:30 बजे पीपल के वृक्ष के पास जाना है और दोनों दीपकों को प्रज्वलित कर देना है और झोली पसारना है और प्रणाम करना है और बोलना है कि हमारे माँ लक्ष्मी हमेशा सदैव हमारे घर में विराजमान रहना। इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा, आप खुद जान जाएंगे साल भर के अंदर कितना अधिक परिवर्तन हो जाएगा, जो भी कमी है घर के अंदर धन संपदा को लेकर वह दूर हो जाएगी, क्योंकि धन संपदा जब रहती है तब घर के अंदर खुशी खुशी आ जाती है। तो ये विशेष उपाय है दीपावली का है, कोई उपाय करे चाहे ना करे पर दीपावली के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। थोड़ा समय निकाल लीजिएगा जब माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, जैसे रात्रि में 8:30 बजे घर का कोई एक व्यक्ति जाए और दीपक लगा कर आ जाए। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।